हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूँ के आटे से पिज़्ज़ा की रेसिपी, और वो भी मैं बनाने वाली हूँ तवे पर, बिना ओवन, बिना ईस्ट, बिना चीज़। तो चलिए बनाते हैं असली देशी स्टाइल में पिज़्ज़ा गेहूँ के आटे से। तो गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले एक बर्तन। उसमें मैंने डाला 2 कप आटा। आप कोई भी बर्तन से यहाँ पर मेज़रमेंट कर सकते हैं, कोई भी कटोरी, कोई भी कप से आप यहाँ पर मेज़रमेंट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया हुआ है। 1/2 कप मैंने इसमें दही डाला हुआ है। 2 कप आटे में मैंने 1/2 कप दही डाला है, ये मैंने डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें खाने वाला सोडा का यूज़ किया हुआ है, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ किया हुआ है। तो दोनों मैंने 1/2 टीस्पून का यूज़ किया हुआ है, और ये यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें चीनी डाला हुआ है। ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून और चीनी डाला है, यानी कि मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर चीनी का यूज़ किया हुआ। इन सभी मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि दही में अपना पानी होता है, तो इसलिए आप पानी अभी मत डालिएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद जितना भी पानी की ज़रूरत हो आप उतना पानी यहाँ पर ऐड करना। मैंने इस कप से 1 कप पानी लिया हुआ है। अब मैं देखती हूँ कि ये कितना पानी लेता है। तो इस तरह से आप गूंद लोगे, और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। और अब मैं लगा दूँगी इसके ऊपर ऑयल, ताकि आटा जो है ड्राई ना हो, क्योंकि आप अगर इसे इस तरह से छोड़ दोगे तो आटा जो है ड्राई हो जाएगा, उसके ऊपर जो है पपड़ी जम जाएगी, जिससे पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, 1 कप पानी में इतना पानी मैंने यूज़ किया है, और अब हम रख देंगे इसे कवर करके। तो चलिए हम बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक कढ़ाई, और उसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच मैदा। ओनली 1.5 चम्मच मैदा से आप देखिएगा कितना सारा पिज़्ज़ा सॉस हमारा बन करके तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ डाला था स्टार्टिंग में, आप कोई भी ऑयल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उस मैदे को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, और यहाँ पर मैं डालूँगी 2 कप दूध। आपको जितना पिज़्ज़ा सॉस चाहिए हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर मेज़रमेंट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप दूध डाला हुआ है, और इसे इसी तरह जेंटली आप स्टर करते रहेंगे। और इसमें मैंने फ़्लेवर के लिए डाल दिया है 2 प्याज के 2 पेटल्स, ताकि इसमें जो फ्लेवर है वो उसका सॉस वाला बिल्कुल आ जाए। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है काली मिर्च पाउडर, और इसे इस तरह से आप अच्छे से बॉईल होने देंगे। और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, नमक आप अपने स्वादानुसार यहाँ पर डाल लीजिएगा। और ये देखिए, धीरे धीरे मैंने इसे 4 से 5 मिनट पकाया, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और आप प्याज निकाल करके बाद में हटा दीजिएगा। सॉस बन करके रेडी हो गया है, और अब हम चलते हैं। ये देखिए, पिज़्ज़ा का जो आटा हमने बना करके रखा था वो कितना अच्छे से फूल चुका है और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमें जितना बड़ा पिज़्ज़ा चाहिए होगा हम उस अकॉर्डिंग इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और अब हम इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे। आपको पिज़्ज़ा की जितनी थिकनेस चाहिए हो आप उस अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा को बेलिएगा। अगर आप थोड़ी मोटी लेयर रखना चाहते हैं तो अपना जो पेड़े हैं आटे के वो बढ़ा लीजिएगा उसकी क्वांटिटी। मुझे ज़्यादा थिक नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने इसे पतला ही बेला हुआ। और मैं इसे बनाने वाली हूँ नॉन स्टिकी तवे पे, तो इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। आप चाहें तो ग्रीस करें, मैंने थोड़ा सा इसे ग्रीस कर लिया। और इस तरह से हम यहाँ पर पिज़्ज़ा को जो हमने बेलन से बेला था उसे यहाँ पर रख करके और हाथों से प्रेस कर देंगे, क्योंकि इसे आप यहाँ पे रखेंगे तो वो थोड़ा सा छोटा सा हो जाता है। और इस तरह से उंगलियों से यहाँ पर डिप कर अच्छे से प्रेस कर देंगे, और फोक से हम यहाँ पर प्रिक कर देंगे, क्योंकि ताकि रोटियों जैसा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो फूले नहीं, इसलिए हम यहाँ पर फोक का यूज़ करेंगे और इसे प्रिक कर देंगे अच्छे से। और अब हम लगाएंगे यहाँ पिज़्ज़ा सॉस। आप यहाँ पर टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस लीजिए। उसमें डालिए थोड़े से चिली फ्लेक्स, और उसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
और अब हम लगाएंगे, मैंने जो तैयार किया था पिज़्ज़ा सॉस उसे मैं यहाँ पर लगा दूँगी। बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा है ये, आप चाहें तो आप भी घर में इस तरह से बना करके अच्छे से खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस एंड जो मैंने चीज़ी सॉस बनाया हुआ था दोनों को यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। आप अगर ज़्यादा लाइक करते हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सॉस लगा सकते हैं। और अब मैं इसे कर दूँगी अच्छे से डेकोरेट। आपके पास जो भी वेजीज हो आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो एंड पनीर का यूज़ किया हुआ है। आप अपने मनपसंद कोई भी वेजीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं और जिस भी हिसाब से आपको डेकोरेट करना हो आप उस तरह से पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने पिज़्ज़ा को डेकोरेट कर लेंगे। और दोस्तों, घर में बनाने के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल दूँगी चिली फ्लेक्स। और थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर से डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, जिससे कि इसका एकदम मार्केट वाला टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग हो तो आप पिज़्ज़ा सीजनिंग भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। और यहाँ पर हम ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा सॉस यहाँ पर डाल देंगे। आपको लगेगा ही नहीं दोस्तों कि ये आप बाहर का पिज़्ज़ा नहीं खा रहे, एकदम मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बिल्कुल बन करके रेडी हुआ था। बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा 5 से 7 मिनट में बन करके बिल्कुल रेडी हो गया था। तो अब हम इसे कर देंगे कवर। तो ये देखिए, मैंने इसे गैस पर रख दिया और गैस की फ्लेम हम कर देंगे बिल्कुल लो। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ ताकि ये जब पक करके तैयार होगा तो ये भी एकदम इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैं इसे कर दूँगी कवर और 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से पकने दूँगी। तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपना दूसरा पिज़्ज़ा। दूसरा पिज़्ज़ा भी हम सेम प्रोसेस से ही तैयार करने वाले हैं। इसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हम यहाँ पर इसे इसलिए प्रिक करते हैं ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रोटी की तरह फूले नहीं। और यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, इसे मैंने उठा करके प्लेट पर डाल दिया और मैंने सोचा जब तक वो तैयार होता है तब तक मैं इसे रेडी कर देती हूँ। बट इस तरह से आप नहीं करिएगा, आप इसे तवे पर ही अच्छे से डेकोरेट करिएगा और ये सॉस एंड चीज़ लगाइएगा, क्योंकि इसे उठा करके रखने में पिज़्ज़ा का बिल्कुल शेप चेंज हो गया था। अभी देखिए, मैं इसे अच्छे से डेकोरेट तो कर ले रही हूँ बट ये मेरा पिज़्ज़ा का शेप जो है बिल्कुल बेकार हो गया था। पिज़्ज़ा का टेस्ट तो वही था पर इसका शेप जो है वो अच्छा नहीं आया हुआ था। तो आप ये गलती नहीं करिएगा, आप डायरेक्टली तवे पर ही ये सारे प्रोसेस करिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी वेजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर यहाँ पर डाल दिया है और अब मैं उसी तरह नमक, काली मिर्च पाउडर एंड यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ करूँगी सभी को डाल करके। और ये देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेरा यहाँ पर काली मिर्च पाउडर गिर गया था। तो अब ये हो गया है रेडी। तो चलिए, अब हम उसी तरह से अपना ये तैयार कर लिया है मैंने पहले पिज़्ज़ा जैसा। और अब 7 मिनट बाद मैं अपने पिज़्ज़ा को चेक करने जा रही हूँ। तो ये देखिए, वाह, कितना डिलीशियस बन करके रेडी हुआ है ये। कोई कह सकता है ये मार्केट वाला पिज़्ज़ा नहीं है। कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बन करके तैयार हुआ, एकदम माउथ वाटरिंग। ये देखिए, नीचे से भी बिल्कुल क्रिस्पी पिज़्ज़ा बन करके रेडी हुआ और बहुत ही क्रंची बना हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बन करके रेडी हो गया। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो इस तरह से आप कैंची से अच्छे से इसे कट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि चाकू से काटने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने इसे कैंची से अच्छे से कट कर लिया और अब आप इसे कर सकते हैं इंजॉय। और मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे पिज़्ज़े का जो शेप है वो कितना, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेंगे अपना। और
आप भी इसी तरह अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करिए इसी तरह पिज़्ज़ा बना करके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।